हैं प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, इसका उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर वह खाना खाता है, क्या वह खाना, ही ईट्स द फूड, इसमें एस लगा है। यहाँ पर वह करता एक वचन है, तो इसलिए वर्ब में एस फॉर्म को जोड़ दिया गया है। अब हम सेकंड क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट निगेटिव इन्डिफिनिट। पहले क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इन्डिफिनिट, अब प्रेजेंट निगेटिव पढ़ लेते हैं। पहचान क्या होती है, नहीं करता है, नहीं करती है, अंत में ऐसे शब्द आते हैं। अब इसका रूल क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर जब करता एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब डस का प्रयोग होता है। क्या यहाँ जब करता एक वचन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन को क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब डस का प्रयोग होता है। यदि कर्ता बहुवचन होता है तो डू का प्रयोग होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, राम खाना नहीं खाता है। मैंने क्या अभी बोला, नहीं और लास्ट में ता है, नहीं लास्ट में, नहीं करता है, नहीं करती है, तो क्या हुआ, नहीं खाता है, तो ये खाता है। तो अभी इसका एग्जाम्पल ये क्या, इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम डज नॉट ईट द फूड। यहाँ पर क्या, ये हमें पता लगाना है डस कैसे आ गया, डज नॉट, तो देखो डस नहीं, नहीं तो मतलब नॉट हो गया, अब डस कैसे आया, ये क्या, राम, राम क्या है, एक वचन है, मतलब क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने भी सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डस, तो इसलिए ये डस लग गया है, डस नॉट ईट द फूड। अब ये क्या, सेकंड पे आ जाते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसमें क्या आएगी इंग्लिश इसकी, आई डू नॉट ईट द फूड, क्या, आई डू नॉट ईट द फूड, तो इसमें डू नॉट का पता लगा दें, नॉट तो नहीं से पता चल गया, डू कहाँ से लग गया, तो हम ये पता करते हैं, यदि कर्ता बहुवचन होता है तब डू का प्रयोग होता है, तो इसमें मैं क्या है, मैं बहुवचन, क्या, मैं बहुवचन है, तो इसलिए हमें डू नॉट लगाना पड़ेगा, ईट द फूड, यहाँ पर मैं बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।